सुप्रभात सभी को। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कुछ विषय लेकर आप लोगों के सामने, विषय है घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा जानेंगे, ये है क्या। आइए देखते हैं घोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, कंपन होता है, उन्हें घोष कहते हैं। स्वाभाविक है कि जितने वर्ण हैं उन वर्णों में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण करने में हमारे स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, कंपन होता है, ऐसे वर्णों को घोष वर्ण कहते हैं। अ आ हर्षीकार दीर्घीकार हर्षोकार दीर्घोकार री ए ऐ ओ औ ग घ अंग ज झ इय ड ढ मूर्धन्य ळा ढा द ध न ब भ म य र ल व और ह। ये सभी घोष वर्ण हैं। इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, कंपन होता है। अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है, कंपन नहीं होता है, ऐसे वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। क ख च छ क ठ त थ प फ तालव्य स मूर्धन्य स और दंत स, ये सभी अघोष वर्ण है। इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है, कंपन नहीं होता है। अब अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्पप्राण कहलाते हैं। कवर चवर टवर तवर पवर। इसके अलावा य र ल और व, ये सभी अल्पप्राण व्यंजन है। मैंने चर्चा किया कवर चवर टवर तवर और पवन की। इसके कब पहला तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य र ल और व, ये सभी अल्पप्राण व्यंजन है। कवर चवर टवर तवर पवर का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला क तीसरा ग और पांचवा अंग, ऐसे ही चवर का पहला च तीसरा ज और पांचवा इय। इस प्रकार ये सभी अल्पप्राण व्यंजन है। अब महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मात्रा में समय तथा वायु की आवश्यकता होती है वे महाप्राण कहलाते हैं। ख घ छ झ ठ ध ळ थ द फ भ तालव्य स मूर्धन्य स दंत स और ह, ये सभी महाप्राण व्यंजन हैं। अब इसमें कवर चवर टवर तवर और पवर का दूसरा और चौथा वर्ण, ये इसके उच्चारण में अधिक मात्रा में समय और वायु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तालव्य स दंत स मूर्धन्य स और ह, ये सभी महाप्राण व्यंजन हैं। अब कुछ गृह कार्य,